बाकी वैसे तो मुझे लगता है कि इस्लाम काफी एक लॉजिकल रिलीजन है. हे गाइस, इट्स क्रिस्लीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स. सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने हजरत मूसा एंड फिरौन के किस्से के ऊपर रिएक्ट किया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जब पैगंबर मूसा ने अल्लाह को देखा आप उस वीडियो पे रिएक्ट करो. तो आज मैं उसी वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ. ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, आप फॉलो कर लो. लेट्स गो. फिरौन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आगे बढ़े. आगे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुहे तूर पे बुलाया और कहा कि ऐ मूसा, हम तुम्हें अपनी किताब देंगे, तुम्हें कुछ खास अहकामात देंगे, उसके लिए तुम्हें तूर पहाड़ के ऊपर आना पड़ेगा. और 40 दिन तक मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे थे. और आपको एक बात बता दूं मैं कि मूसा वो इकलौते नबी है जिनसे अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया है. किसी फरिश्ते का बीच में वास्ता नहीं था, अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है मूसा से. जब भी बात की है डायरेक्ट बात की. तो हजरत मूसा ने क्या किया, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं. अल्लाह ने कहा लन तरानी, तो मुझे कभी नहीं देख सकते. बाज उलमा ने कहा है कि अल्लाह ताला को मूसा ने कहा लन तरानी, अल्लाह ने कहा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते. इससे पता चला कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता. मगर यह बात गलत है. दुनिया की आंख से अल्लाह को कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन आखिरत में लोग अल्लाह का दीदार करेंगे. जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे. ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है. तो दुनिया की आंख से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मेराज पर गए तो सही बात यह है कि आपने अल्लाह को नहीं देखा, आपने अपने रब का दीदार नहीं किया, जैसा कि बुखारी की रिवायत. तो अल्लाह ने कहा कि मूसा एक काम करो, तुम इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ के ऊपर हम अपनी तजल्ली उतारते हैं, तुम इस पहाड़ को देखो. अगर ये पहाड़ अपनी जगह बरकरार रह गया तो तुम मुझे देख लोगे. फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल्जबल जअलहु दक्का. जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली उतारी है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ रेजा रेजा हो गया. वखर मूसा सईका, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े. जब मूसा होश में आए तो कहने लगे अल्लाह मैं तौबा करता हूं, अब आज के बाद मैं ये ऐसी डिमांड नहीं करूंगा, ऐसा मुतालबा नहीं करूंगा, मैं तुझको देखना चाहता हूं. जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ से वापस गए तो देखा उनकी कौम ने बछड़े का को अपना माबूद बना लिया. उनकी कौम में सामिरी नाम का एक आदमी था, उसने सोने को पिघला करके एक बछड़ा तैयार किया और उस बछड़े के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दिया कि जब हवा चलती थी तो बछड़े से आवाज निकलती थी. तो बनी इसराइल से कहा उसने कि यही तुम्हारा खुदा है और इसी से मिलने के लिए मूसा गए. तो बनी इसराइल उसके आगे सजदा करने लगे. जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े की इबादत में लग गई है, तो सबसे पहले अपने भाई हारून को पकड़ा, जिनको अपना जानशीन बना के गए. अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली और कहा कि मैंने तुझको अपना जानशीन बनाया था, तूने यही मेरी जानशीनी निभाई है, मेरी कौम बछड़े की इबादत में लग गई. कहा कि मेरे भाई पहले मेरी बात सुन लो, मेरी दाढ़ी छोड़ दो, मेरा बाल छोड़ दो, पहले मेरी बात तो सुनो. ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूं तो बात ज्यादा पड़ जाएगी. मैंने आपके आने का इंतजार किया, मैंने और कुछ नहीं किया. मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया सामरी को, बोला ये बता तूने ये क्या किया है, ये तूने बछड़े को क्यों बनाया है. तो सामरी जवाब क्या देता है कि मैंने हजरते जिब्रील के घोड़े के नीचे से मिट्टी ले ली और उस मिट्टी को मिला करके मैंने ये सोने का बछड़ा बनाया है ताकि लोग इसकी इबादत करें. हजरते मूसा ने कहा सामरी से, सुन, आज के बाद तुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा मिलती है कि आज के बाद तुझे जिंदगी भर जो छुएगा वो बीमार हो जाएगा. तेरी ये सजा है, तूने बछड़े को माबूद बना के मेरी कौम को शिर्क में डाला, अब तुझे यह सजा मिलती है कि तू जिंदगी भर अनटचेबल हो जाएगा, तुझे जो टच करेगा बीमार पड़ जाएगा. अब सामरी का हाल यह हो गया कि जो उसे छूता था वो बीमार हो जाता था और वो खुद भी बीमार हो जाता था. लिहाजा जब कोई सामरी के पास से गुजरता था वो कहता लामेसास, मुझको मत छुओ, मुझको टच मत करो. और उसके बाद हजरत मूसा ने कहा कि तेरा ये जो सोने का माबूद है ना, देख इसका मैं क्या अंजाम करता हूं. उसको आग में जला के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी में फेंकवा दिया.
कहा कि जिसको तुम लोगों ने अपना माबूद बनाया तो देखो उसका हम ये हाल करने जा रहे हैं। धीरे धीरे काफी चीजें जानने को मिल रही हैं। बहुत कैसे बिगिन हुई थी ये वीडियो की, जब मुझे लगा था कि एक्चुअल में देखा होगा हजरत मूसा ने अल्लाह को, बट बिल्कुल स्टोरी की तरह ये चला। मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे बयान चल रहा था, कैसे हर चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एंड काफ़ी, वैसे तो मुझे लगता है कि इस्लाम काफ़ी एक लॉजिकल रिलीजन है, एंड कैसे हर चीज़ का रीज़न है, कैसे कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है उसका भी पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया हुआ है, विच आई रियली फाइंड इंटरेस्टिंग। एंड काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे समझ आया क्यों बोला उन्होंने देखने के लिए, एंड अच्छी वीडियो थी। एंड मुझे ये नहीं पता था दैट हज़रत मूसा वॉज द ओनली नबी जिनके साथ अल्लाह ने डायरेक्टली बात की थी, बीच में कोई फरिश्ते नहीं थे, विच इज़ अ न्यू एडिशन टू माई नॉलेज। एंड ऐसी वीडियोज़ देख के मुझे अच्छा लगता है कि आपका नॉलेज बेस काफ़ी बढ़ जाता है। काफ़ी अच्छी वीडियो थी। सो गाइस, दिस इज माई रिएक्शन। आई रियली होप दैट यू लाइक इट। दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।